आप सब लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मतलब मैं तो ऐसी चीजों पर वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, क्या मैं रोस्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ? जी नहीं, मैं इस पर वीडियो बनाता भी नहीं। अगर आज एक जो एडवोकेट है उन्होंने इसमें पॉलिटी ना घुसेड़ी हो। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूँ मयूर मोगरे। सोशल मीडिया पर एक घमासान शुरू है क्योंकि नेहा धूपिया जी ने, जी हाँ, एक्ट्रेस नेहा धूपिया जी ने एक रियलिटी शो जैसे दिखने वाले शो में कमेंट पास किया। अब बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो रियलिटी शो जैसा दिखने वाला एक शो है, इसमें कॉन्टेस्टेंट को बुलाया जाता है और जानबूझकर उनसे फॉर्म में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे कि उन्हें कॉन्टेंट मिले। और इसीलिए उस फॉर्म में एक सवाल पूछा गया था कि क्या आपने अपोजिट जेंडर वाले इंसान को कभी मारा है? और एक कॉन्टेस्टेंट आता है जो कि मेल होता है, उसने उस फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि जी हाँ मैंने मारा है, और फिर वो तो खुश हो जाते हैं कि वाह हमें तो कंटेंट मिल गया। और फिर उसके बाद एक एक करके जितने भी लोग हैं वो पूछते हैं कि बताओ एलाबरेट करो कि किस तरीके से आपने जो अपोजिट जेंडर है उसे मारा है। तो बंदा बोलता है कि मैं एक बंदी से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे पता चला कि वो बंदी 5 और बंदों के साथ है, मतलब मुझे चीट कर रही है, मुझे ना बताते हुए 5 और बंदों के साथ है। फिर उसके बाद मैंने उन 5 बंदों को बुलाया, फिर उसके बाद वो जो बंदी थी उसे बुलाया, और इंपल्सिव एक एक्शन था, वो ये बार बार जस्टिफाई कर रहा था कि इंपल्सिव एक्शन था, और फिर उसके बाद मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो जजेस है उनका तो एक फेमिनिज्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक अंदर का जो एक ये है दिखावटीपना है वो जाग गया। और सबसे पहले तो जो एक्ट्रेस नेहा धूपिया जी है उन्होंने कहा कि इसका मतलब जो नेहा धूपिया जी है उन्होंने उस बंदी की जो हरकतें हैं उसे जस्टिफाई कर दिया कि चीटिंग करना इट्स हर चॉइस, अगर वो करना चाहे तो वो कर सकती है। और इतना ही नहीं तो बाकी जो मेल वहां पर बैठे थे उनके अंदर तो इतना फेमिनिज्म जाग गया कि वो भूल गए कि वो फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि फेमिनिज्म के चक्कर में वो माँ की ही गालियां निकाल रहे थे। सारे इतने गुस्से में थे, लेकिन इनका गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है जब एक लेडी कॉन्टेस्टेंट आती है और वो बोलती है कि मैंने 4 बंदों को स्लैप किया है, उन्हें मारा है, तब इनका गुस्सा शांत हो जाता है और सभी मुस्कुराते हैं। अब देखिए इस चीज का जो जस्टिफिकेशन है वो भी नेहा धूपिया जी ने ट्विटर हैंडल पर दिया। उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने कहा कि मेरा जो बोलने का मतलब है वो मिस इंटरप्रेट किया गया है, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था कि आप रिलेशनशिप में चीट करना चाहिए, बल्कि हर किसी की जो रिलेशनशिप होती है उसमें उसकी मॉरल चॉइसेस होती है, और उस चॉइसेस के बलबूते पर उसे रिलेशनशिप को किस तरीके से ढालना है वो उस पर निर्भर करता है। आप सब लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, मतलब मैं तो ऐसी चीजों पर वीडियो बनाता भी नहीं हूं, क्या मैं रोस्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं? जी नहीं, मैं रोस्ट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं इस पर वीडियो बनाता भी नहीं अगर आज एक जो एडवोकेट है उन्होंने इसमें पॉलिटी ना घुसेड़ी होती। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें पॉलिटी घुसेड़ दी। अब मैंने सोचा कि अब पॉलिटी जब आई गई है तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो भी आप लोगों तक स्प्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एडवोकेट है जिन्होंने ट्वीट किया उन्होंने लिखा था कि नेहा धूपिया जो है उनको बहुत सारी पावर और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि वुमेन के अगेंस्ट में जो अत्याचार हो रहे हैं उसका उन्होंने विरोध किया, और जो लोग इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब नेहा धूपिया जी को जो ट्रोल कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली जो क्राइम है अंडर सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी उसे प्रमोट कर रहे हैं। तो यहीं से मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सनक गया और मैंने सोचा कि इस पर वीडियो जो है वो बनाया जाए। तो आइए हम इन दोनों सेक्शंस को, मतलब सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 324 ऑफ आईपीसी, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी जो है वो कहता है कि अगर कोई भी इंसान, ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंसान, भली वो मेल हो भली वो फीमेल हो, कोई भी इंसान अगर वॉलेंट्रीली किसी और इंसान को हर्ट करता है तो उसे जेल टर्म हो सकती है 1 साल तक की, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। और सेक्शन 324 ऑफ आईपीसी कहता है कि अगर आप वॉलेंट्रीली, कोई भी इंसान अगर वॉलेंट्रीली किसी और इंसान को हर्ट कर रहा है किसी डेंजरस वेपन के साथ, किसी डेंजरस वेपन के साथ, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। धूपिया जी है, उनकी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए थी, और मेरे हिसाब से होती भी नहीं अगर वो दोनों सिचुएशन में सेम रिएक्ट करती। मतलब जब बंदे ने कहा कि उसने बंदी को हिट किया है तब उनकी गाली निकल गई, और जब बंदी ने कहा कि बंदे को हिट किया है तब उनकी स्माइल निकल गई। तो शायद उनकी ट्रोलिंग नहीं होती अगर वो सेम तरीके से रिएक्ट करती दोनों ही सिचुएशंस में। अब देखिए जब हम फेमिनिज्म की भी बात करते हैं तो फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं होता है कि जो विमेन है, जो फीमेल है, उन्हें आप स्पेशल ट्रीटमेंट दो।
उसका यह मतलब होता है कि दोनों को सेम रिस्पेक्ट, सेम औहदा मिलना चाहिए, और वो कब मिलेगा? जब हम दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करें। आप सोचिए कि अगर हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो वल्नरेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावरफुल है, इसका मतलब है कि वो वल्नरेबल है। तो जब जब कोई भी अगर विमेन को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो उन्हें वल्नरेबल समझते हैं, और इसीलिए वो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात कर रहे हैं। उनके पास बहुत पावर है, वो बहुत स्ट्रांग है। पहले के जमाने में जब राजा लोगों के पास ये जिम्मेदारी होती थी कि उन्हें जो रानी है उन्हें सेव करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उस टाइम पर भी ऐसी रानी हमें देखने को मिले हैं काफी ज्यादा, जिन्होंने खुद के दम पर जो चीजें हैं वो हासिल की है, खुद के दम पर अपने एम्पायर को बचाया है। और क्या उस टाइम पर वो ऐसा बोलती थी कि मैं फीमेल हूं, मुझ पर तलवार मत चलाओ? उस टाइम पर जब तलवार सामने वाला चलाता था, उसे जब धाराशाही करती थी, तब उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर उभर कर आती थी। ऐसे समय में आप सोचिए कि अगर हम विमेन को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जब बात कर रहे हैं, तो हम क्या उन्हें वल्नरेबल नहीं समझ रहे हैं? जब यहां पर ट्वीट किया जाता है कि मोर पावर टू नेहा धूपिया, कि वो स्टैंड लिया है उन्होंने, तो वही स्टैंड उन्होंने दूसरे के इसमें नहीं लिया है। क्यों? मेल और फीमेल दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, दोनों की अपनी अपनी वीकनेसेस है। जो मनीष सिसोदिया जी है, उन्होंने एक बहुत ही शानदार चीज कही थी। जब मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बहुत ही शानदार चीज कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें पढ़ाया जाता है जो मेल है उसका अपोजिट जेंडर होता है फीमेल, जो फीमेल है उसका अपोजिट जेंडर होता है मेल। लेकिन एक्चुअल में क्या ये अपोजिट जेंडर्स है? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब मेल कॉम्प्लीमेंट करता है फीमेल को, फीमेल कॉम्प्लीमेंट करती है मेल को, और इसी तरीके से ये चीजें चलनी चाहिए। एक दूसरे को जब कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, तभी यहाँ पर एक हारमोनी जो है वो मेंटेन की जा सकती है। और इन दी एंड मेरा बस यही बोलना है कि जो विमेन है उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, और फेक फेमिनिज्म के चक्कर में उन्हें जानबूझकर वल्नरेबल बनाकर उनकी जो पावर है उन्हें बिलिटिल मत कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।